तवांग में जो जो बैकग्राउंड में डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन तवांग का जो हम लोग कभी भी नहीं सुना, वो लोग ने डीसी तवांग को कंप्लेंट दिया है कि तवांग में क्रिश्चियन का चर्च चलने नहीं देना है बोल के। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन नाम है भारत इंडिया तिब्बत मंच, इंडिया और तिब्बत का सहयोग मंच बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लेंट दिया है। वो ऑर्गेनाइजेशन को हम क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक स्पोक्समैन की तरह या एक आपका सिपाही की तरह मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तिब्बत और भारत का सहयोग मंच का काम इंटरनेशनल होता है, वो बहुत बड़ा लेवल का होता है, आप क्रिश्चियन का पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ऐसा काम मत करिए, ये हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बुद्धिस्ट रिलीजन बहुत एक अच्छा रिलीजन है, वो भी 2000 साल पुराना, उससे भी पुराना रिलीजन है। बुद्धिस्ट रिलीजन या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से आज तक एक कंप्लेंट नहीं आया वो चर्च का खिलाफ, इसलिए हम लोग ये कोई रिलीजियस इशू बुद्धिस्ट वर्सेस क्रिश्चियन कोई लोग सोशल मीडिया में लिखता है, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम बिलीव नहीं करता है, क्योंकि बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम से आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं आ दिया है, ये आप लोग क्लियर रखना है। और दूसरा है कि बुद्धिस्ट भी बहुत अच्छा धर्म है, हम लोग का क्रिश्चियन की तरह शांति, पीस, फॉरगिवनेस, दया, माया, हेल्प, ये सब सिखाता है। हम पक्का सोचता हूँ बुद्धिस्ट अच्छा है, इसलिए तो बुद्धिस्ट से इतना कामयाब है, अरुणाचल में 3 चीफ मिनिस्टर बुद्धिस्ट से मिला है, अभी का मुख्यमंत्री भी हमारा बुद्धिस्ट रिलीजन का है, अभी का हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर पीडी सोना भी बुद्धिस्ट है, और अभी का हमारा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर चोनामेन भी बुद्धिस्ट है, अभी का हमारा लोकसभा एमपी और यूनियन मिनिस्टर भी बुद्धिस्ट है। तो ये बुद्धिस्ट रिलीजन अच्छा सिखाता होगा, इसलिए उसका मानने वाला बहुत कामयाब है। इसलिए हम लोग ये बुद्धिस्ट वर्सेस क्रिश्चियन का ऐसा हमारा क्रिश्चियन लीडर लोग सोशल मीडिया में भी मत लिख दीजिए, हम लोग को बुद्धिस्ट का खिलाफ नहीं है, हमारा डिमांड है कि तवांग एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, अरुणाचल में 25 डिस्ट्रिक्ट है, 25 डिस्ट्रिक्ट में तवांग एक डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है उसका जमीन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का पास होता है, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दूसरा जैसा उधर भी हम लोग को जस्ट एक वर्शिप प्लेस चाहिए, क्रिश्चियन लोग उधर में पुलिस डिपार्टमेंट का लड़का लोग है, हेल्थ डिपार्टमेंट का नर्स लोग है, डॉक्टर लोग है, और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई सीओबी पोस्टिंग हो सकता है, एलडीसी, यूडीसी है, गरीब लड़का लोग उधर बिजनेस करके उधर चल रहा है हमारा क्रिश्चियन लोग, वो लोगों को सांदे में एक चर्च चलने का, वर्शिप करने का वही जगह के लिए, हम लोग बुद्धिस्ट को कन्वर्ट करने के लिए, तवांग को क्रिश्चियन डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए ऐसा प्लान नहीं है। तो ये हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में हमारा एक ये रिलीजियस राइट है, ये चीज को हम लोग लेते ही रहेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बोलता है कि ये यहाँ करने नहीं देगा, हम आंदोलन करेगा, हम धरना करेगा, ये ठीक नहीं है ना। ऐसा करेगा तो ईटानगर में भी तो कितना एनजीओ बना सकता है ना, 100 एनजीओ बना के सब रिलीजियस प्लेस को कंप्लेंट दे सकता है कि ये अलॉटमेंट इसको आता हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ओ इतना एनजीओ आ गया ये रिलीजियस प्लेस को आता हो ऐसा बोलेगा क्या? ऐसा नहीं करना है। अरुणाचल एक चौथा स्थित है, पीसफुल स्थित है, चर्च पीस के लिए कमिटेड है, भाईचारा के लिए कमिटेड है। तवांग में दो चर्च है, हम बोलता है हम लोग लास्ट ब्रेड, कोई सपोर्ट नहीं करने से भी अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम फाइट करते रहेगा, वो चर्च हम लोग लड़ते रहेगा। अभी हम लोग आज यहाँ में आईजी पार्क का मेन ग्राउंड को परमिशन मांगा था, पहले तो टेनिस कोर्ट को डीसी ने परमिशन दे दिया था, टेनिस कोर्ट को तो दिखा तो कराते एसोसिएशन ने लेन अलॉटमेंट ले लिया, वो वॉल बना लिया, तो फिर हम लोग डीसी को बोला टेनिस कोर्ट में जगह नहीं, आईजी पार्क को दीजिए, आईजी पार्क को यहाँ गवर्नमेंट से देता है,
आईजी पार्क को देने के लिए चार दिन जैसा लग गया, उसको नहीं दे सकता है बोला है। क्या आईजी पार्क सिर्फ बीजेपी पार्टी मीटिंग के लिए है क्या, या कांग्रेस पार्टी मीटिंग के लिए है क्या? वो जो आईजी पार्क का मेन ग्राउंड सिर्फ मेला ग्राउंड के लिए है क्या? मेला जो होता है ना यहाँ रात भर गाना चलता है, हम लोग क्या क्रिश्चियन लोग यहाँ का सिटीजन नहीं है क्या? हम खुद 1979 से ईटानगर में हो, ये आईजी पार्क वो पील को हम लोग अपना सोचता है, ऐसा नहीं है होने से ठीक है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लोग। इसलिए 9 अक्टूबर को हम लोग ये धरना के लिए और सीएम को हम लोग ने बोल दिया और बहुत क्रिश्चियन लोगों ने भी हम लोग को मैसेज किया है कि धरना उड़ना का बात मत करिए। तो बोला हम लोग बोला है कि मेमोरेंडम कितना लिखेगा यार, अभी रास्ता नहीं है, तो इसलिए धरना करना पड़ा। अभी डिस्ट्रिक्ट से तिराप से लोंगडिंग से पासीघाट से बहुत डिस्ट्रिक्ट से हम लोग को दापोरिजो से जीरो से फोन आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट में भी धरना करने दो क्रिश्चियन लोग। तो अभी जो हाई पावर कमिटी ये जो लोग का रिपोर्ट आएगा वो ये भी बोल सकता है से रैली में चार्ज उधर से हटा दो भी बोल सकता है, आई कि नहीं ये चार्ज चलने दो भी बोल सकता है। हाई पावर कमिटी का रिपोर्ट अगर अनसेटिस्फैक्टरी लगने से हम लोग का मूवमेंट जारी रहेगा और नेक्स्ट स्टेप में हमारा स्टेट वाइड डिस्ट्रिक्ट लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट तिराप डिस्ट्रिक्ट चांगलांग डिस्ट्रिक्ट लोहित डिस्ट्रिक्ट रोइंग दिबांग वैली पासीघाट अलोंग यूमक्योंग जीरो दापोरिजो पूरा करेगा, मगर पीसफुल करना है। तो ये हम लोग ये कंटिन्यू रहेगा, अगर गवर्नमेंट ये कमिटी एकदम जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आकर के नहीं करेगा हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार करना हम लोग का एक जिम्मेदारी है, मगर वो प्रचार करते दौरान यीशु मसीह का प्यार मोहब्बत को सोसाइटी में बांटने का दौरान हम लोग किसी से भी गलत बात नहीं बोलना है। हमारा दोनी पोलो कौन है, हम लोग का अपना रिलेटिव लोग है, हमारा अपना लोग है, जो दोनी पोलो करता है उसको भी शांति से उसको भी अपना ढंग से करने दो, उसको भी हम लोग रेस्पेक्ट करना है। हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू भी हम लोग इंडिया में एक बड़ा देश है, हिंदू भी है, उसको भी रेस्पेक्ट करना है, मुस्लिम को भी रेस्पेक्ट करना है, सिख को भी करना है, बुद्धिस्ट को भी करना है, मगर ये जो हमारा लड़ाई है बुद्धिस्ट का खिलाफ नहीं है। हम मोनपा मिमक सोकपा का प्रेसिडेंट जो हमारा यहाँ निशी एल आई जी गलो वेलफेयर जैसा होता है तुआंग का, उसको बार बार अपॉइंटमेंट मांग के हम लोग यहाँ मीटिंग किया, हम लोग उसको रिक्वेस्ट किया आप सॉल्व कर दीजिए। उसका हिसाब से मोनपा सोसाइटी एज ए होल क्रिश्चियन का खिलाफ नहीं है बोला है, तो हम लोग क्यों मोनपा को झगड़ा करेगा? मोनपा से झगड़ा या आर्गुमेंट करने का नहीं है। मोनपा समाज हमारा खिलाफ नहीं है, तुआंग चर्च का खिलाफ, बुद्धिस्ट समाज खिलाफ नहीं है। हम लोग इंक्वायरी किया तो ये कहाँ कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन, ये जैसा हम अभी बताया भारत तिब्बत मंच, अरे अब भारत और तिब्बत यूनिटी के लिए करता है तो चार चीजों में क्यों इंटरफेयर करता है? इसलिए हम ज़्यादा बोल लिया सब, आज जितना भी माने हमारा जो भाई बहन माँ पिताजी हमारा यूथ लोग जितना भी आया है, आप लोगों को प्रेयर जारी रखिए, आने वाला दिन में क्या होगा पता नहीं है। हम लोग जो यहाँ से सीएम को हम सच बोल देगा, चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल सीएम को जो 9 अक्टूबर को हम लोग जो अल्टीमेटम दिया था, हम लोग इतना रिस्पेक्टफुली, सीएम तो ऑफिस में था मगर बिजी है बोला है, तो हम लोग सीएम का पीपीएस को हैंड ओवर करके आया। हमारा लड़का लोग बोला है कि ओ अल्टीमेटम को सीएम का उधर से सीएम उधर में आरएसएस बोल के एक संगठन ने बोला है वो लोग का टेबल में रहा है बोला है, तो ऐसा नहीं करके हम लोग अपना सीएम हम लोग ने वोट दिया, बीजेपी में कितना क्रिश्चियन लोग है, तो हम लोग ने ये वोट दे के डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बनता है। जो भी क्रिश्चियन एक पास्टर का या एक छोटा सा चर्च का भी लेटर आने से गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करता है कि उसको ड्यू रेस्पेक्ट शो करने से बहुत अच्छा है फ्यूचर में भी। विद दिस मैंने ज़्यादा बोल दिया, ये है आज का जो सिचुएशन। मैं कुछ अगर कमी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो हमारा बड़ा बड़ा स्टेट का अभी चार्ज लीडर लोग आप लोग को
एड्रेस करेगा, बात करेगा और आप